ओम शांति, ओम शांति। सभी माताओं बहनों को ओम शांति। आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो प्यारी बाबा आज इस सुंदर महावाक को उच्चारित किए हैं, तो सभी माताओं बहनों से आज प्यारे बाबा का महावाक सुनाइए। आज से बाबा क्या क्या बच्चों को शिक्षा दिए हैं, बोलिए माताएं सब। ओम शांति। बोलो छोटी। बाबा बोले आत्मा अमर है। जी बहुत सुंदर, आत्मा अमर है। याद करना है बाबा को, याद करना है। हाँ बहुत सुंदर, बाबा को याद निरंतर करते रहना है। छोटी छोटी परियां लोग सुन रहे हैं। बाबा को याद करना है, फिर से बाबा को याद करना है। हाँ बहुत सुंदर, संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना। बहुत सुंदर, गायन योग्य बनना सेवा करके, बहुत सुंदर पॉइंट। और माताएं सुनाइए एक एक पॉइंट। नाना देवनिया जा वाला है, नाना देवनिया जा वाला अरे ला सुन रहा है। जोर से बोलिए माता जी। पुराना दुनिया जा वाला, नाना दुनिया जा वाला। जी जी, नया दुनिया आ रहा है बाबा, नई दुनिया ला रहे हैं हम लोग के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा माताओं को जगतम्बा कहे हैं। जगतम्बा, हाँ जगतम्बा बाबा याद किए। जगतम्बा सभी माताओं का गायन है। अपना दुर्गा स्वरूप का स्मृति में रहना है, क्योंकि दुर्गा पूजा भी आ रहा है। इसमें हर एक आत्माओं को बहुत सुंदर सेवा करनी, बहुत सुंदर। और सुनाइए। हम सब नई दुनिया में जाने का प्रसाद कर रहे हैं। वाह बहुत सुंदर, नई दुनिया किसको कहेंगे, सतयुग को। छोटे छोटे प्यारे एंजल्स बहुत प्यारे, अच्छा से बाबा का मुरली सुनते हैं आप लोग, पूरा मुरली सुने। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशाल बुद्धि वाले ही बाबा के दिल में चढ़ सकते हैं। हाँ विशाल बुद्धि बनने वाले बच्चे बाबा के दिल में। बाबा हमें राज राजेश्वरी बनाने आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, राज राजेश्वरी बाबा बना रहे हैं। बोलिए बहन जी। बाबा बोले है ना, हम लोग जितने भी हम लोग में एक विकार है, सबको निकालना है चेक करके। चेक करने बाबा बोले सब, जी सबसे बड़ा विकार है हम लोग को देह देते हैं ना, अपना देह ही सबसे बड़ा विकार है जी। देह को देखना नहीं है और आंखें भी बहुत धोखा देती है हम लोगों की। जी बहुत सुंदर पॉइंट, हमें पूरा अटेंशन। और आप सामान हम लोग को ना बनाना है बाबा के बच्चों को। जी बहुत सुंदर, आप सामान बनाते रहना है जी। बोलिए अजय भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कर और देह अभिमान को समाप्त करके गायन योग्य बनना है और भविष्य में पुरुषोत्तम बनके पूजा के लायक बनना है। बहुत सुंदर। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान चिता पर बैठ विशाल बुद्धि बनो जी, तब जो है आपके दिल बढ़ सकेंगे। विशाल बुद्धि पर बहुत फोकस किए हैं बाबा जी। बाबा कहते हैं धोई हुई पड़ी है तो उनको जगाना है, और बाबा कहते हैं कि तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ, तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे तो अब दैवी गुण धारण करो और कोई भी आसुरी कार्य नहीं करो। बहुत किसी अच्छा। भी देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ मामेकम को याद करो। बहुत अच्छा, मुझे परमात्मा बाप को याद करना है। बोलिए आतिश भाई जी। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। हमारे मीठे बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा बोले हैं वास्तव में दिल पे तो वही अंत में सब चढ़ेंगे, नंबर वार पुरुषार्थी अनुस्वार, पुरुषार्थ अनुस्वार जी। जब देह अभिमान अभिमानी खत्म हो जाएगा तब
अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो हम कितने को आप समान बनाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी। और बाबा बोलते हैं ये आंख बड़ी धोखेबाज है, आंखें जो है बड़ी धोखेबाज है, तूफान तो बहुत आएगी क्योंकि युद्ध के मैदान पर है, युद्ध के मैदान में होना, लेकिन कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। जी बाबा बोले हैं जब बाबा अच्छी रीति, जब आप अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ तब दिल पर चढ़ जाएंगे, ज्ञान चिता पर बैठ तब दिल पर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं जो बहुत अच्छी रीति वाणी चलाते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े हैं। याद सबसे मुख्य बात है। जी राकेश भाई बोलिए। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। बाप आज बोल रहे हैं मीठे बच्चे इस संगम युग पर तुम्हें सेवा करके गायन योग बनना है और भविष्य में हमें रजाई का पद लेना है। जी। और बाबा बोले हैं कि ये जितना भी बीमारी है उसका जड़ है दे अभिमान, उसको हमें पूरी तरह से मिटाना है। जी। और बाप के दिल पर चढ़ने के लिए हमें विशाल बुद्धि होना पड़ेगा और हमें ज्ञान चिता पर बैठना है। और बाबा बोले हैं कि हम बच्चों के अलावा और किसी को भी रचना रचता के बारे में पता नहीं है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, जितने भी साधु संन्यासी आदि है। और इसीलिए हमें बाप की सुननी है और हमें ये मानना है, मान लेना है कि यही पूरी तरह सत्य है और यही सत्य ही है, बाकी सब कुछ झूठ है, रत्ती मात्र भी सत्य नहीं है और किसी में। और बाबा बोले हैं कि ये जो सर्वव्यापी का जो अक्षर गीता से उठाया गया है जी, और हम आँख की हमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करनी है, आंखें बहुत ज्यादा धोखा देती है और हम जो दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को बताते हैं कि हमें पावन रहना है, हमें खुद कभी पतित नहीं बनना है, हमें कभी विकार में नहीं जाना है, क्योंकि यदि हम विकार में जाएंगे तो हजार गुना दंड पड़ेगा और हजार गुना पाप चढ़ जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही बाप के याद में रह के हमें पावन बन के रहना है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पॉइंट। ओम शांति। चलिए भाई जी कुछ पॉइंट सुनाएंगे। संजय भाई जी ओम शांति। आज माताओं ने कहा कि हमें दुर्गा बनना है, भाई ने कहा कि आंखें क्या बोलते हैं, आंखें धोखा करती है, बाबा ने मुरली में जो पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स यानी ज्ञान दर्पण से अपने आप को देखना।